हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन तिवारी अपने यूट्यूब चैनल कंबाइंड लेक्चर सीरीज पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारी मैथमेटिक्स की एलसीएम एससीएफ की 8वीं क्लास है और पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था जो एलसीएम एससीएफ के जो प्रश्न थे, यानी पिछली जो क्लास में तो एलसीएम के एससीएफ पर आधारित जो प्रश्न थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया और हमने देखा कि जो एलसीएम के जो आपके शेष पर आधारित प्रश्न होते हैं वो किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं और उसमें कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो हमने वो टॉपिक तो पूरी कवर कर ली, लेकिन जो आज की टॉपिक है वो है कि एलसीएम एससीएफ के जो अनुपात के आधार पे जो प्रश्न होते हैं वो एग्जाम्स में किस प्रकार से पूछे जाते हैं और उसको आसानी से सॉल्व करने का ट्रिक क्या है। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो है एलसीएम एससीएफ की 8वीं क्लास और इसका टाइप क्या है, टाइप है अनुपात के आधारित, अनुपात पर आधारित प्रश्न, अनुपात जिसको रेशियो कहते हैं। ठीक है, रेशियो कहते हैं, अनुपात पर आधारित प्रश्न, ये आज की टॉपिक है आपकी। और इस टॉपिक के अंदर हम 3-4 प्रकार के क्वेश्चंस को देखेंगे जिसमें कि सबकी लॉजिक अलग अलग होगी, सबके कॉन्सेप्ट अलग अलग होंगे। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ जो कि आज की टॉपिक में है, लेकिन क्वेश्चन को देखने से पहले एक हमें कॉन्सेप्ट देखना जरूरी है जो कि आपको पहली क्लास में बताया गया था। वो क्या था कि हमने आपको बताया था जो कि पहली जो संख्या होती है, पहली संख्या जो होती है फर्स्ट नंबर, उसका मल्टीप्लाइड करिए दूसरी संख्या में, सेकेंड संख्या, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या में, तो उसका जो वैल्यू होता है वो एलसीएम जो होता है लसा और मसा, यानी कि एलसीएम और एससीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर होता है ना, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यानी फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड नंबर, सेकेंड जो नंबर होता है वो किसके बराबर होगा मल्टीप्लाई करने पे, वो बराबर होगा एलसीएम इंटू एससीएफ के। हमने इसको आपको प्रूफ भी करवाया था, याद होगा तो, कि अगर मान लीजिए आपको दो नंबर्स दे दिए जाते हैं 20 और 30, ठीक है, दो नंबर दे दिएगा 20 और 30, इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, एलसीएम अगर बात की जाए तो एलसीएम मतलब होता है इन दोनों का जो फैक्टर मैक्सिमम रिपीट किया हो, 2 × 2 × 5, और इसका क्या होगा 2 × 3 × 5, मैक्सिमम 2 कितनी बार रिपीट किया है, 2 × 2 दो बार, 3 एक बार आया उसको लिख लीजिए, 5 एक बार आया एक बार लिख लीजिए उसको। ठीक है, ये आपका फैक्टर रूल है। और आपका क्या आया, 2 × 2 = 4 × 12 = 5 = 60, ये आपका आ गया एलसीएम। अगर एससीएफ की बात की जाए, एचसीएफ, तो जो दोनों में कॉमन होता है, 2 दोनों में कॉमन दिख रहा है हमको और 5 दोनों में कॉमन दिख रहा है ना, यानी 2 के साथ 2 मिला, 5 के साथ 5 मिला, तो जो एससीएफ होगा 2 × 5 = 10, तो ये आपका एलसीएम एससीएफ निकल गया। अगर इस फार्मूले को अगर प्रूफ करना है तो देखिएगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो पहली संख्या क्या है 20, दूसरी संख्या क्या है 30, और दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर, एलसीएम और एससीएफ के गुणनफल के, तो एलसीएम क्या है आपका 60 हो गया और एससीएफ हो गया 10, दोनों का मल्टीप्लाई करें तो देखिएगा 2 × 3 = 6, और 00 है तो 00 उतार दीजिए यहाँ पे, यहाँ पे देखिए 6 × 7 = 6, यहाँ पे 2 0 है तो 2 0 उतार दीजिए, ये देखिए दोनों की वैल्यू क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो ये था हमारा जो कि अनुपात के जो आधारित प्रश्न है वो इसी फार्मूले पे सॉल्व होंगे, तो इस फार्मूले को एक बार हमने रिपीट करा दिया आपको। एक और बात ध्यान दीजिएगा, जो नंबर्स का, जो संख्याओं का एचसीएफ होता है, किसी भी संख्या का जो एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है, वो क्या होता है कि जैसे कि आपका 20 हो गया और 30, दो संख्या है, इसका जब हमने एचसीएफ निकाला तो क्या, अगर फैक्टर किया जाए तो 2 × 2 × 5, ये होगा 2 × 3 × 5, तो जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है, 2 × 5 का जो कॉमन होता है वही हमारा एचसीएफ होता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो यहां से देखिएगा 2 × 2 = 5 = 10, यहां से देखिए 3 × 2 = 5 = 10, जब ये 10 10 को हम कैंसिल कर देंगे, देखिए 10 × 2 = 20 हो गया, 10 × 3 = 30 हो गया, 10 10, यानी जब हम एचसीएफ को कैंसिल करते हैं तो संख्याओं का क्या मिलता है हमें, नंबर्स का अनुपात, यानी कि संख्याओं का अनुपात मिल जाता है हमको,
कैसे मिलता है, यानी जब 20 और 30 का जब हमने सबसे छोटा रूप लिखा तो क्या मिला हमें, 2:3। तो किसी भी अनुपात में, दिए गए अनुपात के मान में, याद रखिएगा कंसेप्ट यहां पे लागू हो रहा है, नोट नोट क्या है यहां पे, कि अनुपात में, अनुपात में क्या करने पे जो भी HCF हो आपका, अनुपात में HCF का गुणा करने पर, गुणा करने पर क्या प्राप्त होती है, गुणा करने पर संख्या प्राप्त होती है, ठीक है, संख्या प्राप्त होती है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए 2:3 है और जो आपका HCF है वो क्या है, 10 है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 2×10=20, दूसरी संख्या क्या होगी, 3×10=30। तो याद रखिएगा अनुपात में जब भी आप HCF का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको संख्या प्राप्त होती है। तो ये जो कंसेप्ट था इसी के बेस पे पूरा अनुपात टिका हुआ है, इसी के बेस पे पूरा, इसी के आधार पे आपका जो है पूरा अनुपात के क्वेश्चंस इसी पे सॉल्व होंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं हम अपनी क्वेश्चन की तरफ जो कि अनुपात के आधार पर है, और इसके जो प्रकार है वो लग रहा है अनुपात के 3-4 प्रकार के, जो टोटल प्रश्न होते हैं 3-4 प्रकार के होते हैं, गुणे पर आधारित होते हैं, घटाना पे आधारित होते हैं, माइनस पे, प्लस पे, और मल्टीप्लाई बेस पे होते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ये है प्रश्न जो कि अनुपात पर आधारित है, और इसके 4 हमने क्वेश्चन लिख दिया, चारों के टाइप जो है वो अलग अलग हैं और चारों का जो कंसेप्ट है वो भी अलग अलग है। तो देखते हैं कि हम अनुपात के प्रश्न को कम समय में हम कैसे सॉल्व करेंगे, जो कि ये जो आपको रूल बताया जाएगा ये एग्जाम्स में अप्लाई करिएगा, और एग्जाम्स के जो भी एलसीएम एचसीएफ के रेशियो पर आधारित जो भी प्रश्न होंगे वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखते हैं क्या है, और पढ़ते हैं, जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे हम अपनी कंडीशन को अप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात दिया है, तो कभी भी जो रेशियो होता है वो सबसे छोटा रूप होता है ना, हमने आपको बताया कि जब भी रेशियो होगा वो क्या होगा, सबसे छोटा रूप होता है संख्याओं का। तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं पहले प्रश्न को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न जो है वो सॉल्व हो रहा है यहां से। जब भी रेशियो का प्रश्न मिले आप क्या करिएगा, लिख दीजिएगा उस रेशियो को 3:4 के रूप में। अब कह रहा यदि उनका HCF 15 हो, हमने आपको बताया था कि यदि नंबर्स की बात करें, नंबर्स जो होता है, नंबर पहला नंबर, फर्स्ट नंबर, नंबर फर्स्ट एंड नंबर सेकंड, ठीक है, नंबर जो फर्स्ट है और नंबर सेकंड है, यदि उन संख्याओं को हमें निकालना है तो जो उनका रेशियो है उसे हमने HCF का मल्टीप्लाई करने को आपको बताया था। तो इसका देखिए HCF भी दे रखा है, क्या HCF, वो है आपका 50। तो HCF का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, नंबर निकल जाएंगे, HCF का मल्टीप्लाई करके क्या होगा, 15 × 3 ये आपका मिल गया 45, एक संख्या, और 15 × 4 = 60, ये दूसरी संख्या मिल गई, यानी पहला नंबर 45, दूसरा नंबर क्या हुआ 60। तो संख्याएं तो मिल गई, अब कह रहा लसा क्या होगा, इनका एलसीएम क्या होगा, तो आपके आपके पास जो फार्मूला वो है ही, आपके पास क्या होता है, एलसीएम इंटू HCF बराबर क्या, पहला नंबर, ठीक है, नंबर फर्स्ट इंटू नंबर क्या, सेकेंड। तो नंबर जो फर्स्ट एंड नंबर सेकेंड है उसी का क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर का। तो फर्स्ट नंबर आपका क्या है 45, सेकेंड नंबर 60, HCF आपको दिया और LCM आपको निकालना है, HCF कितना था 15 था ना, चलिए देखिए क्या आता है, LCM आपका आ जाएगा, जो भी फैक्टर में होता है वो कहां जाता है, वो जाता है डिवाइड में, तो जो था वो गुणनफल के रूप में वो डिवाइड में चला गया, 15 × 4 = 60 होता है, 15 × 4 = 60, या इससे इजी करे तो हम 60 को ना कटा, वैसे भी कट जाएगा लेकिन हम शॉर्टकट कटाते, ठीक है, 15 × 3 क्या होता है 45 होता है, 3 × 15 = 45, और 3 का मल्टीप्लाई 6 में कर देंगे तो 3 × 6 जा होता है 80, ये 0 है तो 0 लगा दीजिए, यानी उसका एलसीएम क्या है, इन संख्याओं का वो एलसीएम जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट आपको निकल गया 180, ठीक है, ये आपको डायरेक्ट निकल गया इनका एलसीएम। अगर आपको इससे भी इजी वे में अगर जाना है, अगर आपको इससे भी इजी वे में जाना है तो देखिएगा एक ट्रिक होता है, एलसीएम बराबर जितने नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू क्या, नंबर सेकेंड,
जितने नंबर आपका दो नंबर है तो दो नंबर का हम क्या करें, मल्टीप्लाई इंटू रेशियो का मल्टीप्लाई, यानी ठीक है ना, देखिएगा अनुपातों का गुणनफल, अनुपातों का गुणनफल इंटू मस, यानी कि क्या एच सी एफ, देखिएगा क्या होगा। तो इसका फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर आपके पास अगर है तो आप डायरेक्ट उस नंबर्स को रखिएगा यहां पर, ठीक है। तो नंबर्स क्या है आपके, नहीं ये आपका ट्रिक गलत है यहां पे, ये ट्रिक दूसरे क्वेश्चन पे अप्लाई होगा, इस क्वेश्चन के लिए नहीं। इसका जो बेसिकली है वही आपका इजी वे है, ठीक है, ये ट्रिक इसके ऊपर नहीं अप्लाई होगा, ये ट्रिक दूसरे क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई होता है इसका। यानी कि जब फर्स्ट जो टाइप आपको हमने बताया कि जब भी आपको अनुपात दिया हो और एचसीएफ दिया हो तो आप क्या करिए, एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर्स रेशियो में, तो आपको नंबर्स मिल जाएंगे। कभी कभी तो नंबर्स ही पूछ के आपको रख देता है कि नंबर्स क्या है, बड़ी संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या है, या फिर दोनों में अंतर पूछ देता है कि दोनों संख्याओं का क्या होगा, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है, 15 का डिफरेंस है, लिखा कि नहीं। तो ये आपका क्वेश्चन बनता जाएगा कि वो आप इसमें पूछा गया कि एलसीएम क्या होगा, तो आपने क्या दिया 180, पूछता बड़ी संख्या कौन सी होगी, यदि दो अनुपात दिया और बड़ी संख्या पूछेगी तो बड़ी संख्या आपको दिया 60, छोटी संख्या पूछे तो 45, कितने क्वेश्चन बनते देखिए। और यहां से पूछे कि एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम आपको बताया जा चुका है। और ये पूछा होता यदि कि दोनों संख्या में अंतर कितने का है, तो दोनों का अंतर देंगे 60 और 45 का अंतर कितना है, 15। तो एक क्वेश्चन से हमारे कितने तैयार हो गए, इस क्वेश्चन से चार प्रश्न तैयार हो गए, ठीक है। कौन कौन सा, एलसीएम पूछ सकता है, ठीक है, बड़ी संख्या पूछ सकता है, बड़ी संख्या पूछ सकता है, छोटी संख्या पूछ सकता है, ठीक है, या फिर पूछ सकता है संख्याओं का अंतर कितना होगा, तो कितना होगा अंतर, सबका आंसर आपके पास है, अंतर पूछ सकता है। और लास्ट में तो चार क्वेश्चन, एक प्रश्न से चार प्रश्न बने और सबका एक ही तरीके से आपने सॉल्व किया और सबका आंसर आपके सामने है। यानी जब एलसीएम कहा तो 180 आया, बड़ी संख्या क्या मिल गई, 60 मिल गई, छोटी संख्या 50 और दोनों का अंतर 15। तो ये था जो कि एक प्रश्न पे चार प्रश्न बनते हैं, कैसे बनते हैं, एक तरीके से सॉल्व करिए, सारे प्रश्न के आंसर आपके सामने होंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, यानी 4:5, दो संख्याओं जो दो नंबर दिए उनका रेशियो दे रखा है 4:5 और उनका मल्टीप्लाई दे रखा है, समझिएगा बात को, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन सेकंड है, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, अनुपात दे रखा है 4:5, यही दिया है ना। हम क्या करेंगे, हम इनका एचसीएफ खुद से डिफाइन कर देंगे। एचसीएफ में क्या मान देंगे, हम कोई नंबर मान दिया, हम उस नंबर को हमने मान दिया एन, वो नंबर क्या है, वो एन है, जो कि इसका एचसीएफ है। तो हमें जब संख्याएं निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, पहली जो हम रेशियो में मल्टीप्लाई करते तो हमें नंबर्स मिलते हैं, यानी पहला जो नंबर्स होगा वो 4n हो जाएगा और सेकेंड नंबर जो होगा वो क्या होगा, 5n होगा, क्योंकि HCF का मल्टीप्लाई करने पे रेशियो में हमें नंबर्स मिलते हैं, यानी पहली जो संख्या मिल गई वो 4n और दूसरी संख्या मिल गई वो 5n मिल गई, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है, दोनों का गुणनफल यदि 500 है, इन दोनों संख्याओं का क्या है गुणनफल, यदि 500 है तो दोनों का गुणनफल कर दीजिए 500, तो क्या कर HCF कितना होगा, तो देखिएगा HCF मतलब इसका आपका महत्तम समापवर्तक कितना होगा, तो दोनों का गुणनफल दे रखा है ना, गुणनफल कितना है 500, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 4 कितना होता है 20, एन में एन का करेंगे तो एन स्क्वायर, ठीक है, दोनों का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों संख्याओं का इज इक्वल टू कितना दे रखा आपको 500, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 500, 20 से कैंसिल करिए, 0 से 0 गया और 2 से 25 बार में चला गया, ठीक है, अगर नहीं आया तो बात समझिए कैसे किए हम, 20n² = 500, ये देखिएगा एन स्क्वायर हो गया, ये 500 हो गया, जो मल्टीप्लाई में होता है डिवाइड में आता है, 0 से 0 गया, 2 से 25 बार में 50 कैंसिल हो गया, यानी एन स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई, 25 मिल गई। तो यहां से हम आपको बताए भी हैं
पावर का रूल जो है नंबर सिस्टम है कि जब भी ऐसे आपको मिले तो आप क्या करें, 25 मिला है ना तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, यहां से स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल होता है तो n बराबर 5 मिल जाता है, ठीक है, n की वैल्यू 5। और यही आपका क्या था, HCF था, तो HCF की वैल्यू क्या मिल गई, 5 मिल गई। लेकिन इसके अलावा भी अगर हम n स्क्वायर की अगर बात करें तो n स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली आपको, 25 मिली है ना, तो n की अगर वैल्यू निकाल तो डायरेक्ट ये किधर चला जाता है, रूट के अंदर चला जाता है। और रूट के अंदर ये आपको पता होगा, अंडर रूट के अंदर किसी भी संख्या का दो पेयर बनता है, यानी दो संख्याओं का पेयर बन जाता है तो वो संख्या कहां आती है, बाहर आ जाती है। तो n स्क्वायर बराबर 25 के दो तरीके से हमने वैल्यू निकाला, एक पावर वाला रूल लगाकर और एक क्या है आपका रूट वाला रूल, करणी वाला रूल लगा के, ठीक है। तो HCF n जो हमने माना था वो हमें क्या मिला, 5। तो यहां से भी आपको क्वेश्चन बन सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या तो n की वैल्यू क्या मिली है, 5, तो छोटी संख्या यही है ना 4n, तो क्या होगा 5 चौके 20, 4 × 5 कर दीजिए, छोटी संख्या मिल गई आपको, ठीक है। बड़ी संख्या की बात अगर करता तो बड़ी संख्या क्या करेंगे आप, बड़ी संख्या के लिए 5 × n है तो छोटी संख्या क्या मिली, छोटी के लिए हमने कर दिया 4 × n, यानी 4 × 5 क्या मिला, 20। बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे, बड़ी संख्या के लिए, बड़ी संख्या के लिए बड़ा नंबर 5 है तो 5 × 5 क्या मिल गया, 5n था ना, देखिए यहां पे 5n, 5 × 5 बराबर 25। तो ये हो गया छोटी संख्या बड़ी संख्या निकालने के लिए। अगर कह दे कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा तो 25 और 20 का अंतर 5, संख्याओं का अंतर, ठीक है। तो ये होता है प्रश्न बनते हैं, और यहीं से कहता है एलसीएम क्या होगा, ठीक है। प्रश्न बना होता कि एलसीएम भी क्या ज्ञात करिए, इसका गुणनफल दिया है, रेशियो दिया है और एचसीएफ भी नहीं दिया है, और आपको कहता है इसका एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम तो आसानी से आप निकाल सकते हैं, 20 ही मिल गया और 25 मिल गया, तो 20 और 25 के टेबल में आने वाली वो कौन सी संख्या होती है जो सबसे छोटी होती है, तो 20 और 25 के टेबल में आने वाली जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 100। रूल आपको पता है, लगा लीजिएगा, ठीक है। फैक्टर रूल भी अप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, ठीक। अब तो आपको रेशियो समझ में आ रहा होगा कि कैसे सॉल्व करते हैं रेशियो के प्रश्न को। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन थर्ड का सॉल्व कैसे होगा देखिएगा। यहां पे दिया दो संख्याओं का अनुपात, हमेशा अनुपात को बीच में लिखिए, एचसीएफ को कोई नंबर डिफाइन कर दीजिए। हमने एचसीएफ को फिर एन डिफाइन किया तो पहली जो संख्या होगी वो 7n हो गई, दूसरी संख्या क्या हो गई, 5n हो गई। बात समझ में आ गई, ये आपका फर्स्ट नंबर निकल गया, ये आपका फर्स्ट नंबर और ये सेकेंड। फर्स्ट नंबर को हम ऐसे लिख देते हैं, सेकेंड नंबर को हम ऐसे लिख देते हैं, नंबर समय मिल गया। अब क्या कह रहा है, यदि इनका अंतर यानी संख्याओं का अब अंतर की बात कर रहा है, अंतर मतलब होता है घटाना, अंतर मतलब क्या होता है घटाना। यदि 7n में से 5n को आप नंबर्स को माइनस करते हैं तो उनका अंतर आपको क्या दे रखा है, 16 दे रखा है, 16 यानी 60 दे रखा है। तो क्या कह रहा है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे एचसीएफ भी नहीं पूछा, एलसीएम भी नहीं पूछा, बड़ी संख्या पूछ दिया, तो क्या करेंगे, चलिए अंतर देख लेते हैं। तो 7n में से 5n घटाएंगे तो क्या होगा, 2n, 2n बराबर 60, तो n बराबर क्या होगा, 60 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 8 मिल गया आपको। डायरेक्ट आप 8 लिख दिए यहाँ पे, 9, 8 की वैल्यू 9, n की वैल्यू 8 आ गई, नंबर्स की वैल्यू आपको 8 मिल गई, 8। तो यहां से आपको HCF मिल गया 8। तो क्या कह रहा है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी कौन है, 7n है कि 5n, भाई 7n बड़ी होगी तो बड़ी संख्या पूछा ना, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या होगी, हमने बताया कि रेशियो में मल्टीप्लाई करिए एचसीएफ का, तो 7 × 8 इज इक्वल टू 56, ठीक है ना। छोटी संख्या की अगर बात करें, प्रश्न अगर पूछा होता कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिए तो हम क्या करते, छोटी संख्या के लिए हमने कर दिया होता 5 × 8 है तो ये हो जाता 40, ठीक है। तो बड़ी संख्या पूछे चाहे छोटी संख्या, तो फिलहाल हमारा आंसर होगा 56, लेकिन छोटी भी पूछता तो हम छोटी निकाल लेते, और जब संख्याएं हमें मिल गई तो हम एलसीएम भी निकाल सकते हैं, हमारे पास उसका भी कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट क्वेश्चन है उसी की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 12:13 है। ध्यान दीजिएगा, 12:13 लिखिए तो भी ठीक है, 13:12 लिखिए तो भी ठीक है, कोई मतलब नहीं होता इसका, ठीक है। उनका योग दे रखा है, तो पहले हम इसमें भी एचसीएफ क्या करेंगे, एचसीएफ तुरंत आप एक नंबर डिफाइन करिए जिससे आपको नंबर पता चल सके। तो यहाँ पे हमने लिखा 12 × n, पहला नंबर क्या हो 12n और दूसरा नंबर क्या हो गया 13n, ठीक है। अब क्या उनका योग दिया है, अनुपात दिया था 12:13, ऐसे हमने n माना, संख्याएं हमें पता चल गई, पहली संख्या दूसरी संख्या, तो क्या इसका योग दे रखा है, अब यहाँ पे इनका योग दे दिया है, यानी 12n और 13n का योग दे रखा है कितना 125, ठीक। तो जोड़ दीजिए यहाँ पे 12, 13, 25, पिछले में माइनस दिया था इसमें प्लस दे दिया, तो यहाँ पे 25n हो जाएगा, 25n बराबर 125, n की वैल्यू 25 से कितनी बार में जाएगा, ये 5 बार में, 25 × 5 = 125, ठीक है। n की वैल्यू 5 मिल गई। क्या पूछा है भाई, छोटी संख्या पूछा है, छोटी कौन है 12n की 13n, जो बड़ी बड़ा रेशियो वो बड़ी संख्या, जो छोटा रेशियो वो छोटी संख्या, तो छोटी संख्या है 12n, ठीक है। तो 12 × n की वैल्यू 5 = 16 निकल गया। तो ये था आपका 4 एग्जाम्पल। अब रेशियो के जो प्रश्न होते हैं जो एलसीएम एचसीएफ में पूछे जाते हैं इनसे अलग नहीं है, हाँ नंबर्स बदल सकते हैं लेकिन क्वेश्चन का पूछने का तरीका नहीं बदलेगा, ठीक है। तो ये था आपका एलसीएम एचसीएफ के जो रेशियो के आधारित प्रश्न थे, अनुपात पर आधारित प्रश्न थे, वो किस प्रकार से एग्जाम्स में आते हैं और उसे हम किस प्रकार कम समय में सॉल्व करेंगे, वो इसका कंसेप्ट था। बहुत बेसिक है, देखिए कोई लिखना विखना है नहीं, बस डायरेक्ट रेशियो रखिए, एचसीएफ डिफाइन करिए, नंबर्स मिल जाएगा, और नंबर्स मिलने के बाद तो हम एलसीएम का क्या, एचसीएफ, एलसीएम, बड़ी संख्या, छोटी संख्या, अंतर, जो भी कहेगा हम वो ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास कंप्लीट होती है, मिलते हैं कल एलसीएम एचसीएफ की नई टॉपिक के साथ, धन्यवाद।